प्रश्न सात करेंगे। निम्नलिखित के उत्तर दीजिए, लिखिए और दर्शाइए कि आपने इन्हें कैसे हल किया। क्या 5/9 4/5 के बराबर है? हमें बताना है कि ये इसके बराबर है या नहीं। इसके लिए हमें क्या करना होगा कि जो ये दोनों हमारे हर हैं, हमें इनका लघुत्तम समावर्त लेना होगा और वो हमारा आएगा 45। ठीक है, 9 तथा 5 का लघुत्तम समावर्त 45 है। अब हमें दोनों के जो हर है 45 करने हैं। 5/9 को हमने 5 से दोनों को गुणा किया तो 45 हो गया ऊपर 25। जिस संख्या से नीचे गुणा करोगे उसी से ऊपर। 5 को 9 से गुणा किया तो 45 और ऊपर 36, तो हमारे पास आ गया 25/45 और 36/45। 25/45 हमारा, देखो ये हमारा एक समान नहीं आया, मतलब दोनों का जो है हमें, अगर हम इसको कट करते हैं तो ये हमारा जो है वो एक समान नहीं आ रहा, कि यानी कि दोनों हमारे 5/9 नहीं आ रहे, इसलिए ये जो है हमारे एक समान नहीं है, दोनों हमारे बराबर नहीं है, क्योंकि ये तो 5/9 और ये क्या है 4/5, इसलिए ये बराबर नहीं है। ऐसे ही बी वाले में भी हमें 16 और 9 का जो है एलसीएम लेना होगा। एलसीएम लेने के बाद हमारा 144 आएगा। फिर 9/16 और 5/9 को लिख लो। 16 को 9 से गुणा के 144, 9 को 9 से गुणा सेम एक ही नंबर से करना है 81, 9 को 16 से किया 144 और 5 को 16 से किया तो 80। अब हमारा एक में तो 81/144 आ रहा है, दूसरे में 80 आ रहा है, तो ये दोनों भी बराबर नहीं है, इसलिए 9/16 बराबर नहीं है 5/9 के। इसका सी देखते हैं। सी वाले में देखो, अब 4/5 और 16/20 दे रखा है, तो बहुत इजी है। 4/5 जो 16/20 है, देखो अगर हम 4 के टेबल से काटते हैं तो 4 × 16 और 4 × 5 = 20, यानी कि ये भी 4 क्या आ गया 4/20, यानी कि ये भी 4/5 है और ये भी 4/5 है, तो ये दोनों क्या है बराबर है, यानी कि जो सी वाला है वो हमारा बराबर है, बाकी हमारे बराबर नहीं है। ऐसे डी भी बराबर नहीं है। 15 और 30 का हमने जो है एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेके हमारा आया है 30। ठीक है, अगर आप चाहो ना इस वाले सी वाले पार्ट को भी ऐसे ही कर सकते हो जैसे हम ए बी और डी कर रहे हैं, सेम मेथड से भी कर सकते हो, तब भी आपका ये बराबर आएगा, नहीं तो आप सिंपल इस तरीके से भी कर सकते हो। दोनों का जब हमने एलसीएम ले लिया तो 15 और 30 का एलसीएम में तो 30 आया, तो 1/15 और 4/30। 1/15 को हमने 15 को 2 से गुणा किया 30, सेम उसी नंबर से ऊपर 2/30, 30 को 1 से किया 30, 4 को 1 से किया 4। 1/5 देखो, यहाँ पे 1/15 आ रहा और यहाँ पे 4/30 आ रहा है, यानी कि यहाँ पे 2/30 आ रहा और यहाँ पे 4/30 आ रहा है, ये दोनों बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं है, तो ये दोनों भी बराबर नहीं है। ठीक है, यू गेट 7th क्वेश्चन। 8 देख लेते हैं। ईला 100 पृष्ठों वाली एक पुस्तक में 25 पृष्ठ पढ़ती है, यानी कि 100 पेजेस हैं एक बुक के अंदर, 100 पेजेस हैं जिसमें से वो 25 पेज जो है पढ़ती है, कौन? ईला पढ़ती है 25, और जो ललिता है वो उस बुक के आधा 1/2 भाग पढ़ती है, किसने कम पढ़ा? ईला द्वारा पढ़ा गया किताब का हिस्सा है 25/100, यानी कि 100 में से 25 पेज उसने पढ़े हैं ईला ने, और ललिता ने पढ़ा है 1/2 भाग। ठीक है, 1/2 का मतलब क्या है? 1/2 का मतलब अगर मैं सिर्फ 100 का एलसीएम लेती तो 100 ही आएगा, यानी कि मुझे 1/2 के अंदर भी जो इसका हर है मुझे 100 चाहिए, तभी हम बता पाएंगे कि ललिता ने कितना पढ़ा। तो 1/2 में 2 को अगर मैं 50 से गुणा करती तब 100 आता है, सेम उसी संख्या से ऊपर गुणा किया तो 50। इसका मतलब यह है कि ललिता ने 50/100 यानी कि आधी बुक पढ़ ली, और ईला ने 25/100 मतलब 100 में से 25 पेज पढ़े, और ललिता ने 100 में से 50 पेज पढ़े। अब दोनों के हर एक जैसे हैं, एक बराबर हैं, तो हम बता सकते हैं 25 और 50 में से क्या ज्यादा है, 50, यानी कि 50/100 ज्यादा है, इसलिए ईला ने कम किताब पढ़ी और ललिता ने ज्यादा, जिसने कम पढ़ी हमें वो बताना था, तो ईला ने कम किताब पढ़ी। प्रश्न 9 देखेंगे। रफीफ ने 1 घंटे में 3/6 भाग तक व्यायाम किया, जबकि रोहित ने 1 घंटे में 3/4 भाग तक व्यायाम किया, किसने लंबे समय तक व्यायाम किया? रफीफ और रोहित ने दोनों ने व्यायाम किया, जितना रफीफ ने किया जितना भाग वो भी पता है, और जितना रोहित ने किया वो भी पता है, यानी कि दोनों के भिन्न दे रखे हैं हमें। ठीक है,
दोनों के भिन्न दे रखे हैं हमें, हमें इसमें से बताना है कि किसने जो है किसने लंबे समय तक व्यायाम किया। तो रफीम ने व्यायाम किया 3/6 घंटे और रोहित ने व्यायाम किया 3/4 घंटे। दोनों का एलसीएम ले लेंगे 6 और 4 का, हमारे पास आ जाएगा 12। यानी कि हमें अब दोनों के जो है हर 12 करने हैं। तो 3/6, 6 को 2 से गुणा किया 12, उसी संख्या से ऊपर किया 6, 4 को 3 से गुणा किया 12, उसी संख्या से किया 9। यानी कि हमारे पास आ गया 9/12 और 6/12। तो जो दोनों के हर बराबर है, तो 9 और 6 में से क्या ज्यादा है, 9 ज्यादा है, यानी कि 9/12 ज्यादा है। और 9/12 हमारा किससे आया था, 3/4 से, और 3/4 किसका है, रोहित का है। तो रोहित ने जो है ज्यादा लंबे समय तक व्यायाम किया। ठीक है, अब हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। 25 विद्यार्थियों की एक कक्षा ए में, 25 विद्यार्थियों की एक कक्षा ए में 20 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में पास हुए और 30 विद्यार्थियों की एक कक्षा बी में 24 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में पास हुए। किस कक्षा में विद्यार्थियों का अधिक भाग प्रथम श्रेणी पास हुआ। देखो इसका जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना, तब हमको समझ आ जाएगा कि जो कक्षा ए है उसमें कितने हैं, 20 विद्यार्थी जो हैं जो प्रथम श्रेणी में आए हैं पास हुए, और 30 विद्यार्थियों की एक कक्षा, और जो दूसरी कक्षा है भी उसमें 30 विद्यार्थियों की है जिसमें 24 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में आए हैं। ठीक है, तो हमें बताना है कि किस कक्षा के जो विद्यार्थी हैं अधिक भाग प्रथम श्रेणी में आया है। तो कक्षा ए के विद्यार्थियों की संख्या जिन्होंने प्रथम श्रेणी प्राप्त करी है 20/25, 25 में से 20 बच्चे जिनकी प्रथम श्रेणी आई है, और कक्षा बी में 30 में से 24 बच्चों की प्रथम श्रेणी आई है। अगर हम इसको कट करते हैं 5 के टेबल से, तो 5 चौक 20 और 5 5 25, ऐसे ये जाएगा कि कौन से टेबल से आएगा, 6 से, 6 चौक 24 और 6 5 30, 4/5 हो गया। यानी कि ये भी 4/5 और ये भी 4/5 है। तो स्पष्ट रूप से दोनों कक्षाओं में समान संख्या में विद्यार्थियों ने प्रथम श्रेणी आई है, दोनों की बराबर आई है। तो यहाँ पर हमारी ये एक्सरसाइज प्रश्नावली 7.4 जो है वो कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे 7.5। होपफुली आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा, वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।